होलसेल बिजनेस में अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसके कस्टमर्स को बनाए रखना और उन्हें अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखना सबसे जरूरी होता है। अब अगर होलसेल की बात करें तो इस बिजनेस में अपने कस्टमर्स या रिटेलर्स को जोड़ना और उन्हें एक बार सामान बेचना तो आसान है, पर उन्हें बनाए रखना ताकि वो आपसे ही सामान खरीदें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आपको आपके कस्टमर्स को बनाए रखने में सहायक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल करें। अपने होलसेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पर कॉल करें। कई लोग स्टॉक आते ही अपने कस्टमर्स को अपडेट करते हैं, लेकिन स्टॉक के बारे में अपडेट करने के बाद कोई कॉल नहीं करते। सबसे जरूरी है कि होलसेल बिजनेस में अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम कॉल करें और उनसे मार्केट के बारे में बात करें। उनसे पूछें कि क्यों वो स्टॉक नहीं खरीद रहे या फिर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इन सब के बाद अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे होंगे और वो आपको छोड़कर किसी और से सामान नहीं खरीदेंगे। नए खरीदारों को विशेष छूट प्रदान करें। नए ग्राहकों के लिए अच्छी छूट नए बिजनेस को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, चाहे ग्राहक रिटेलर हो या फिर कस्टमर। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो छूट के बिना भी वापस आते रहेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। अपने होलसेल बिजनेस में आप चाहें तो अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे टारगेट्स दें। जैसे आप उन्हें 50,000 का स्टॉक खरीदने पर 3% का डिस्काउंट देने की बात करें, 1,00,000 तक के स्टॉक पर 5% तक का डिस्काउंट देने की बात करें। इस तरह से छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और स्लैब तय करें। नया स्टॉक अपडेट करें। कई होलसेलर अपने कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट पर स्टॉक अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन फिर वो स्टॉक अपडेट नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब स्टॉक दे देंगे। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम अपना स्टॉक अपडेट करना बहुत जरूरी है। कस्टमर के कॉल और मैसेजेस का जवाब दें। कई बार रिटेलर अपने होलसेल को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पर होलसेलर कोई रिप्लाई नहीं करते। ऐसे में रिटेलर का भरोसा आप पर से हटने लगता है। उसके पास होलसेलर्स की कमी नहीं है, वो आपको छोड़कर किसी और से स्टॉक ले लेगा। अगर आपको अपने कस्टमर्स बनाए रखने हैं तो आपको उनके हर कॉल और मैसेज का जवाब देना होगा, इससे वो आप पर डिपेंड कर पाएगा। तो ये थी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।